हेलो स्टूडेंट्स, माय टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन माय प्रीवियस वीडियोस टाइम एंड अगेन आई हैव मेंशन्ड अबाउट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एसी मशीन्स। एसी मशीन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सिंक्रोनस मशीन्स एंड इंडक्शन मशीन्स। इन बोथ ऑफ द मशीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। So today's lecture is all about rotating magnetic field. We will try to understand what is its principle, and then we will try to highlight how using basic principles that are basically being taught in interphysics, you can basically get an idea what is rotating magnetic field or kis tarike se ye operate karti hai. So let us start with the statement. So if we talk about the statement is pretty similar, pretty easy. It says that if a three phase set of currents, each of equal magnitude and differing in phase by 120 degree, flows in a three phase winding, then it will produce a rotating magnetic field of constant magnitude. So let me highlight ki ji इस प्रिंसिपल में मेनली क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चीज़ हैं। सो अगर गिवन हम देखें तो हमारे पास गिवन है थ्री फेज सेट ऑफ करंट्स, ठीक है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि दे शुड डिफर इन फेज बाय 120 डिग्रीज। सो डिफरेंस इन फेजेस में डिफरेंस इन फेज 120 डिग्री। जो तीन फेजेस हमारे पास आ रहे हैं, थ्री फेजेस जो आ रहे हैं, उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री है। दिस इज ऑल्सो गिवन। और इसके नतीजे में क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग। तो आपके पास एक और चीज़ है, होनी चाहिए कि थ्री फेज वाइंडिंग। अच्छा, हमारे पास जो स्टेटर होते हैं, स्टेटर ऑफ एसी मशीन्स, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके पास सिंक्रोनस मशीन्स हों, इधर सिंक्रोनस हों और इंडक्शन, तो बोथ हैव प्रिटी सिमिलर स्टेटर कंस्ट्रक्शन। और ये स्टेटर कंस्ट्रक्शन जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक राउंड में जो है ये स्टेटर ड्रॉ किया हुआ है एक एसी मशीन के लिए। इसके अंदर मैंने थ्री सेट ऑफ कॉइल्स यूज़ की हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किए हैं वो है ए ए डैश, बी बी डैश, सी एंड सी डैश, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मैंने कॉइल भी ड्रॉ की हुई है। दिस इज़ द कॉइल दैट इज़ मेनली बीइंग यूज्ड इन एसी मशीन्स। इस तरह की तीन कॉइल्स हैं, एक कॉइल जो है ए और ए डैश में लगी हुई है, ये ए और ए डैश है प्लेसमेंट। फिर इसके साथ 120 डिग्री की जो डिफरेंस है उसके साथ अगर आप देखें तो आपके पास बी और बी डैश की कॉइल लगी है, ठीक है, और इसी तरीके से सी और सी डैश की कॉइल लगी हुई है, ठीक है। तो ये नहीं है कि फेज डिफरेंस करंट्स में होगा, इसके अलावा जो आप थ्री फेज सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स प्लेस करते हैं उनकी भी इस तरीके से स्पेस में भी डिफरेंस रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटर की कंस्ट्रक्शन है, एंड दिस इज़ ऑल्सो ए गिवन थिंग। क्योंकि ये मैं यहाँ पे आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है। तो ये कॉइल है जो हमने प्लेस की है, और हमने थ्री कॉइल्स ली हैं, थ्री कॉइल्स ली हैं, कौन कौन सी, ए ए डैश, बी बी डैश। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है हमारे पास जो इसके अंदर जो थ्री फेज सेट ऑफ थ्री फेज सेट ऑफ करंट्स जो गिवन हैं। सो लेट अस बेसिकली हैव इट लुक के वो क्या हैं। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो आई ए डैश टी जैसे इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जैसे करंट्स जो हैं वो एम्पेयर्स में, यूनिट्स जो हैं एम्पेयर्स में हैं। इसी तरीके से आई बी बी डैश जो हमारे पास दूसरी कॉइल है उसके अंदर आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये देखें, ये जो डिफरेंस है फेज डिफरेंस वो मैंने यहाँ पे रख दिया है 120 डिग्रीज का। और थर्ड जो हमारे पास करंट है आई सी डैश, दिस इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी
-240 डिग्री, तो फर्दर यानी 120 डिग्री का जो है वो फेज शिफ्ट दे दिया, तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो दीज आर बेसिकली साइनोसाइड्स, थ्री साइनोसाइड्स हैं जो कि 120 डिग्री शिफ्टेड हैं। सो आई कैन बेसिकली रिप्रेजेंट देम इन दिस फॉर्म। यहाँ पे आप देखिएगा, इनकी एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जो मैंने पॉजिटिव साइड में आई एम ली है और माइनस आई एम ली है ऑन द नेगेटिव साइड। ये मेरे पास जो है ये फेजर ड्रॉज हैं। यहाँ पे देखिए, ये 60, 120, 180, 240, 30, 300 एंड 360। आफ्टर 360 इट जस्ट कम्प्लीटली रिपीट्स। तो अगर मैं आई ए डैश लूँ तो ये मेरे पास येलो कलर में गिवन है, आई ए डैश, जैसे आई एम साइन ओमेगा टी मैंने कहा है। सेकेंड जो है मेरे पास आई बी बी डैश है जो कि बेसिकली ब्लू कलर में गिवन है। तो ये आप पहले देखो तो ये मैं आई आई ए डैश है जो मेरे पास इधर गिवन है ब्लू कलर में, जो है ये बेसिकली आई बी बी डैश रेड कलर में जो गिवन है आई बी बी डैश है, ठीक है। और ब्लू कलर में जो गिवन है ये आई सी डैश है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ, आई सी सी डैश। तो ये ड्रॉ कर भी सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मेरे चैनल में है, डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल सकती है, पावर टॉनिस की प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो शेयर भी की थी, और जो कम्युनिटी पे पोस्ट लगी हुई है उसमें भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल थिंग, ये इतना ड्रॉ करना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा ये हो गया, आप अपना ड्रॉ करके रख लें फिर काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि अक्सर वो कंप्यूटर वगैरह पे तो ये चीज़ होती है लेकिन हैंडी नहीं होती कि आपके पास हैंडी होता कि आप इमेजिन कर सकें। तो ये थ्री फेस सेट्स ऑफ करंट्स हैं जो बेसिकली आपकी इस थ्री कॉइल्स ए ए डैश, बी बी डैश और सी सी डैश के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। सो ऑल ऑफ देम हैव आर बेसिकली 120 डिग्रीज शिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये हम बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास गिवन क्या है। अच्छा, अब इसमें ना ये डिस्क्रिप्शन अभी कंप्लीट नहीं है। ऑब्वियसली जब आप कॉइल्स पे करंट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जब करंट कॉइल के अंदर चलेगा तो सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है कि व्हेन ए करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर तो इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब इसी से रिलेट कर जाता है, आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड द एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स और इसी की जो स्टेटमेंट है आपने देखी होगी, ये इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है कि आपके पास ये जो है आई इनक्लोज्ड के इक्वल होता है। इसकी अगर हम सिंपलर फॉर्म लें तो आपके पास आ जाती है सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है, एच एल इज इक्वल टू एन आई। अब इसमें एच क्या है, एच इज बेसिकली दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एल इज दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। सो इन माई दिस डिस्कशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द बेसिक थिंग्स, जो बेसिकली जो भी हैं वो सारे मैं लिख दूंगा। एन जो है वो टर्न्स हैं, टर्न्स ऑफ कंडक्टर, और आई जो है वो करंट फ्लोइंग है, ठीक है। अच्छा, इस केस में जो हम कर रहे हैं इसके अंदर सिंगल टर्न कंडक्टर है तो एन इज इक्वल टू वन होगा। सिमिलरली जो कंडक्टर है उसकी लेंथ फिक्स होती है तो एल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो अगर ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है तो एच का जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है वो आपके करंट के साथ बन जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुड बी रिप्रेजेंटेड एज, सो एच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आई, ठीक है। एच जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं एच ए डैश ऑफ टी एच एम साइन ऑफ ओमेगा टी, एच बी बी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एच एम साइन ऑफ ओमेगा टी -120 डिग्रीज, एच सी सी डैश ऑफ टी इज गिवन बाय एच एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्रीज। हाउएवर देयर इज ए इशू विद दिस डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन में इशू क्या है भाई, आप कहेंगे कि क्या डिस्क्रिप्शन है। होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज़ ए स्पेशियल क्वांटिटी। अब जो अभी तक जो हम बात कर रहे थे करंट्स की बात कर रहे थे वो तो फेजेस में हमने रिप्रेजेंट किए हुए थे,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज ए स्पेशल क्वांटिटी एंड वी डोंट नो इट्स डायरेक्शन। ऑब्वियसली जब करंट पास करेगा किसी कॉइल में से, कंडक्टर में से, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन? फॉर दैट मैटर वी नीड टू इम्प्लाय राइट हैंड रूल। अब अगर हमें ये निकालना है तो हमें राइट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो द राइट हैंड रूल नीड टू बी अप्लाइड। और राइट हैंड रूल जो है वो बड़ा सिंपल होता है कि अब कौन सा वाला निकालना। मतलब एक तो राइट हैंड रूल सिंपल है ना कि जी अगर एक करंट पास कर रहा है तो उसके, लेट मी बेसिकली ब्रीफली डिस्क्राइब। ये थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है क्योंकि ये कॉइल है और यहाँ पे कॉइल जो है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दी हुई है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है। सो राइट हैंड रूल जो है वो ये कहता है कि इफ़ फिंगर्स आर कर अराउंड द कंडक्टर्स इन विच द करंट इज़ फ्लोइंग देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा आप कहेंगे अच्छा यार ये हो गया, तो अब हमारे पास क्या था? अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई थी वो ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक मिनट, एक कॉइल जो है वो इधर से प्लेस है, ये इसका अनप्राइम एंड है और ये इसका प्राइम एंड है। इसी तरीके से ये अनप्राइम एंड है और ये इधर से जा रही, तो ये कॉइल यहाँ से अंदर जा रही है। अगर आप ये कॉइल देख लें, ये कॉइल थी। सो एक इसका अनप्राइम एंड है जो नीचे गिवन है, एक जो है वो इसका अनप्राइम एंड है और ये एक प्राइम एंड है। ठीक है, तो इसी तरीके से C और C डैश, तो ये एक कॉइल जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारे पास जो करंट अगर इसके अंदर यूँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊँ तो क्या होगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन जो इसके अंदर जो है वो होगी। तो ये प्राइम एंड है, करंट इधर से अंदर जा रहा है, इस तरफ से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। लेट्स मी बेसिकली प्लेस इट इन दिस डायरेक्शन। अगर इधर से अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है तो मैं इस तरीके से करूँगा। ये देखें, आप देखें कि ये करंट जो है ये उंगलियों के साथ अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, तो मेरा जो थंब है इट इज़ पॉइंटिंग इन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसी सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बी के लिए दूँ तो आई कैन बेसिकली डू इट फॉर द बी एज वेल। यहाँ पर देखें, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है और मेरा जो है डायरेक्शन जो है थंब की वो इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं सी के लिए लूँ तो यहाँ से यूँ करंट अंदर जा रहा है और ये मेरी डायरेक्शन जो है थंब की ये होगी। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शंस? ठीक है, तो अगर मैं ये राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ तो आई विल गेट दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन विच आई हैव बेसिकली शोन इन दिस डायग्राम। अब अगर आप देखें, जो मैंने अभी टाइम से डायरेक्शन ली थी, तो ए इधर से अंदर जा रहा था, तो ये ए की एच ए ए डैश ऑफ टी की डायरेक्शन है। लेट अस सपोज वी टेक इट एज इट एट ए जीरो डिग्री। और ये जो दूसरी है ये एच बी बी डैश, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन है, ये बी और बी डैश की वजह से है, तो 120 डिग्रीज ये शिफ्टेड है। इसी तरीके से जो सी और सी डैश के लिए जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, दिस इज अगेन 120 डिग्री शिफ्टेड। अगर मैं इन चीज़ों को इंक्लूड कर लूँ और राइट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके साथ स्पेशल डायरेक्शंस में यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 0 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री एंड अगेन दिस इज बेसिकली 240 डिग्रीज। सो नाउ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कम्प्लीट। ठीक है, तो अक्सर लोग इसमें आ जाते हैं कि जी देखिए ये तो फेजर्स थे ना, जो आपके पास करंट्स थे ये तो सिंपल फेजर्स थे और यहाँ पे जो वेरिएशन हो रही है ये टाइम में वेरिएशन हो रही है कि आप डिफरेंट टाइम लेंगे तो ये आपके पास साइनोसाइड्स आएंगे। और वो मैंने आपको दिखाया था कि उसकी जो शेप है वो इस किस्म की है, ये साइनोसाइड्स हैं जो टाइम के साथ वेरी करें। यहाँ पर आपके पास एक्स में ओमेगा टी है और ये वेरी करने की वजह से ये तीन करंट्स आ रहे हैं, 3 फेज सेट्स ऑफ करंट्स। लेकिन जब ये कॉइल्स में से पास करेंगे, जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, यानी इस किस्म की कंस्ट्रक्शन में हम ये 3 फेज सेट्स ऑफ करंट्स अप्लाई करेंगे, जिससे कि एक ये कॉइल हैं। सो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज आएंगी वो इस तरीके से हैं, और वो मैंने इस फिगर के अंदर रिप्रेजेंट की हैं। ये देखें, ये 0 डिग्री पे आ रही है और ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल है,
कि अगर आपकी फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आ गई ए ए डैश के लिए, ये आ गई बी बी डैश के लिए और ये आ गई सी सी डैश के लिए। तो ये बड़ा हो गया सिंपल हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये थ्री सेट्स ऑफ इक्वेशंस आई हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो जो मैग्नीट्यूड है ये साइनोसाइडल है, यानी ये जो दिस इज द दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये भी है और ये भी है। सो दीज मैग्नीट्यूड्स आर साइनोसाइडली वेरिंग। मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड विल वेरी साइनोसाइडली। सो इफ समवन समथिंग इज वेरिंग साइनोसाइडली, तो इसकी आपको हमें पता है कि बड़ी इजीली हम रेंज निकाल सकते हैं कि इसका मतलब ये कि वो उसकी वैल्यू जो है वो माइनस वन, जीरो और वन, यानी इट स्टार्ट्स विद माइनस वन एंड एंड्स इट एट वन, यानी इसके दरमियान इसकी टोटल वैल्यू हो सकती है। और ये जो मैग्नीट्यूड है एच एम का गिवन है, सो इट वुड बी माइनस एच एम और इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, पॉजिटिव एच एम। तो ऑब्वियसली ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसकी इस तरीके से वेरी कर सकता है, तो साइनोसाइडली वेरिंग है। लेकिन आपको आपने देखा कि हमारी जो क्वाइल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, जो स्टेटर के अंदर जो क्वाइल्स हैं, क्वाइल्स जो हैं दे आर फिक्स्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और राइट हैंड रूल की जो एप्लीकेशन हमने की है उससे हमें ये बात पता लगती है कि अगर क्वाइल्स की कंस्ट्रक्शन फिक्स है तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ रही है वो भी फिक्स होगी। सो ये जो डायरेक्शन स्पेशली जो आ रही है स्पेस में जो आई है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दिस विल बी फिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मैग्नीट्यूड विल वेरी साइनोसाइडली, बट सिंस कॉइल्स आर फिक्स्ड इन कंस्ट्रक्शन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी फिक्स्ड। इस पूरी डिस्कशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर आपको ये पॉइंट जो है आप समझ जाते हैं तो फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, फिर जो है इट इज़ वेरी इजी कि आप जो है ये इवेंचुअली प्रिंसिपल भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप ये जो पॉइंट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट सपोज मैं इसको 3 स्टार कर देता हूँ, ठीक है ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज कहेंगे जी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नीट्यूड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट कैन वेरी एंड इट विल वेरी फ्रॉम माइनस वन टू वन, बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी फिक्स, क्योंकि जो डायरेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल। तो कंस्ट्रक्शन एक बार ही होती है, कॉइल्स एक बार लगा दिए फिक्स हैं, स्टेटर के अंदर तो वो फिक्स हैं, दे वोंट बेसिकली चेंज एट ऑल। तो चूंकि यहाँ पे वो फिक्स हैं तो इसके लिए होगा ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रिलेट कर जाती है बाय यूज ऑफ अ वेरी बेसिक इक्वेशन इन द मैग्नेटिज्म, दैट इज कॉल्ड बी इज इक्वल टू म्यू एच, वेयर बी इज बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी क्या है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो ऑब्वियसली इसके इस में आने से क्या होगा कि जो हमारे पास जो ये सेट ऑफ कॉइल्स की जो हमने इक्वेशंस लिखी हुई थी हम इसको अपडेट कर लेंगे। सो अगर हम म्यू जो है वो कांस्टेंट होता है तो अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इक्वेशंस अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं, बी ए ए डैश ऑफ टी दैट इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी दैट इज ऑफ 0 डिग्री, डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन लेगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की थी। बी बी डैश ऑफ टी सेकेंड कॉइल की वजह से जो हो गया बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो फिक्स, डायरेक्शन जो है वो फिक्स होगी। बी सी सी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू बी एम साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस 240 डिग्रीज दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री, ये फिक्स है। ओके और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके बनाना चाहूँ ताकि मैं इसको एक फिगर के थ्रू जो है वो शो कर सकूँ तो मैं वो बना सकता हूँ। एंड हियर इट इज़, ये मैंने इधर बनाई हुई है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटीज़। तो ये मैंने इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी है, दिस इज़ बेसिकली इसकी डायरेक्शन है 0 डिग्रीज और इसकी डायरेक्शन है दिस इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज एंड दिस डायरेक्शन इज़ फिक्स एंड दिस इज़ इक्वल टू 240 डिग्रीज, ये डायरेक्शन हैं इसकी फिक्स रहेंगी। सो इनकी जो है मैग्नीट्यूड चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड वेरी करेगी, माइनस बी एम टू पॉजिटिव बी एम, लेकिन जो डेंसिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहेंगी, दे विल नॉट वेरी विथ टाइम। सबसे फंडामेंटल चीज़ जो है वो यही है। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती इसको समझने में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बैकग्राउंड डिस्कशन है जो मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस टॉपिक को किया जाए तो इस फंडामेंटल जो डिस्कशन है इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट, और फिर जाके इसको तो बुक में भी अगर आप देखें तो ये वहाँ पर ये डिस्कशन बड़ी थॉरली जो है प्रोवाइड की गई है। बुक की अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिक मशीनरी फंडामेंटल्स बाय चैपमैन, मैं हमेशा इसी बुक को रिकमेंड करता हूँ। उसके अंदर अगर आप चैप्टर 4 में देखें तो ये जो है टॉपिक गिवन है एंड दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल टॉपिक जो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैं करूँगा वो मैं यही करूँगा कि वी विल सिलेक्ट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस। अब होगा क्या, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटीज़ जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ पे से रिलेट करती हैं और इंटेंसिटीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं 3-फेज सेट ऑफ करंट्स के साथ। तो हमने यहाँ पे जो सिलेक्शन की है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हमने सेलेक्ट किए हैं। ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया है, ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री सेलेक्ट किया है, ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री सेलेक्ट किया है, ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 270 डिग्री सेलेक्ट किया है एंड ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 360, फिर वही हो जाएगा जो 0 का होता है। तो हम 4 टाइम इंटरवल्स के लिए इन सेट ऑफ इक्वेशंस को एवेल्युएट करेंगे एंड दिस इज़ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। कोई सा भी आप छोटे छोटे टेबल्स बना लें ट्रिग्नोमेट्री के, साइन और कोसाइन के, तो ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैं मैथमेटिकली करूँगा, यू कैन डू इट ग्राफिकली एज वेल, और मैं ग्राफिकली भी आपको शो करूँगा कि आप ग्राफिकली भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो अगर ये जो 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं आप तीनों में ये रिप्लेस कर दें ये वाली वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा जी, बी ए ए ए डैश ऑफ टी में अगर आप देखें इसको रिप्लेस करें तो आपके पास आ जाएगा बी एम। ओमेगा टी को 0 कर दें तो साइन ऑफ 0 आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री, और ये स्पेशल जो है आपके पास 0 डिग्री है। बी बी डैश में अगर आप ये चीज़ रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी ऑफ एम साइन ऑफ -120 डिग्रीज, ठीक है, ओमेगा टी 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। बी सी सी ऑफ डैश ऑफ टी के साथ अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी एम साइन ऑफ -240 डिग्रीज एंड दिस इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। तो अब जो है आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड भी आ गया वेक्टर का, अब ये जो तीनों आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के वेक्टर्स मिल रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, और ये तो साइन ऑफ 0 तो 0 हो जाता है। अगर आप 0 sin 0 degree लेंगे तो बी ए ए डैश जो है ऑफ टी अगर आप लें तो इसका जो है वो तो मैग्नीट्यूड ही 0 है, भले इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, 0 डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। इट इज़ बी बी डैश ऑफ टी अगर हम लें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी बी डैश ऑफ टी दैट इज इक्वल टू -0.866 बी ऑफ एम एंड दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अभी इसकी डायरेक्शन इसके साथ गिवन है। और बी सी सी डैश ऑफ टी का अगर हम लेंगे तो इधर अगेन आप इसके साथ लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +0.866 बी ऑफ एम एंड दिस इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आप इसका क्योंकि ये 3 ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटीज हैं सो वी नीड टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट डेंसिटी जिसको हम बी नेट कहेंगे।
अच्छा, इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंट मेथड। सो फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट वी विल यूज़ दी कॉम्पोनेंट मेथड। अब ये क्या होता है, लेट मी हाईलाइट दिस मेथड वेरी सिंपली। ये बेसिक्स है, आपने पढ़ा हुआ ही होगा वेक्टर्स में, वेक्टर्स की जो एडिशंस वगैरह की जाती हैं उसके अंदर ये गिवन होता है। पहले आप इनको जो है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो ये बी ए डैश है और ये इसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, तो इसका तो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन लेट सपोज, यानी तो इसका लेट सपोज इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जो इसका वाई कॉम्पोनेंट है दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। लेट सपोज इसको ए कह दिया तो ये बी एक्स ए बी ए हो गया। सेकेंड जो है हमारे पास जो कॉम्पोनेंट है -0.866 bm इंटू 120 डिग्रीज़। तो अगर आप यहाँ पे बी एक्स बी ले लें तो दिस इज़ इक्वल टू -0.866, और ये इसके साथ आपने लिख दिया bm और cos ऑफ 120 डिग्रीज़। अब ये जो 120 डिग्रीज़ की डायरेक्शन थी वो आपने यूज़ कर लिया। इसी तरीके से बी वाई बी इज़ इक्वल टू -0.866 bm साइन ऑफ 120 डिग्रीज़। दिस इज सिंपली, ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये कि अगर आप साथ साथ करें, मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप भी साथ एक पेंसिल पेपर ले लें और साथ साथ लिखें। दिस विल बी वेरी वेरी इजी टास्क। सिंपल, आपको साइन और कोसाइन के टेबल्स यूज़ करके ये इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन यू विल सी कि हम इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे और फिर हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। एंड देन यू विल सी कि जी ये किस तरीके से ड्रॉ होती है और होती है। ठीक है, पहले वो मेथड जो है सिंपली आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है, आप उसको साथ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे पास बी एक्स सी है, तो उसमें मैंने 0.866 और उसको मैंने बी एम, और इधर मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 240 डिग्रीज़। इसी तरीके से बी एक्स बी वाई सी इज इक्वल टू 0.866 bm कॉस ऑफ 240 डिग्रीज लिख दिया। तो सिंपल हो गया। अब इसमें आप किसी भी कैलकुलेटर या टेबल से आप कर सकते हैं। ये अगर मैं पहले के केस में लूँ तो पहले के केस में तो आ जाएगा बी एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं बी एक्स बी को लूँ तो ये आ जाएगा प्लस 0.433 b ऑफ m। ठीक है, और अगर मैं बी सॉरी बी वाई ऑफ बी को लूँ तो दिस इज इक्वल टू -0.75 b। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बी एक्स सी को लूँ, दिस इज इक्वल टू -0.433 bm आ गया मेरे पास। और अगर मैं बी वाई ऑफ सी को लूँ तो दिस इज इक्वल टू 0.75 bm आ गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है। नेक्स्ट मेरे पास कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर लूँगा। आई विल गेट द बी नेट ऑफ एक्स, ये एक कॉम्पोनेंट आ गया 0 का, प्लस 0.433 b ऑफ m। ठीक है, और -0.433 bm दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये माइनस आएगा, इसको ज़रा माइनस अपडेट कर लीजिएगा, ये मैं लिखना भूल गया, ये माइनस आएगा। इसी तरीके से बी नेट ऑफ वाई अगर मैं लूँ तो मेरे पास आएगा 0 -0.75 bm -0.75 bm दिस इज इक्वल टू 1.5 bm। और अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ तो बी नेट इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ तो मेरे पास होगा अंडर रूट बी नेट ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी नेट एक्स ऑफ वाई ऑफ स्क्वेयर। और इसकी जो डायरेक्शन अगर मैं एंगल निकालना चाह रहा हूँ तो दैट इज एंगल जो मैं इसका निकालूंगा थीटा, टेन इनवर्स ऑफ बी नेट वाई कंपोनेंट बी नेट एक्स कंपोनेंट, इससे मैं करूँगा। ठीक है, तो मैं अगर इसमें वैल्यूज प्लेस करता हूँ तो आई विल गेट बी
नेट इज इक्वल टू, ये माइनस आएगा, सॉरी इसके साथ माइनस लिख लीजिएगा, ये बार बार ये साइन मिस हो रहा है, प्रॉब्लम ना कर दे, ये यहाँ पे माइनस में प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अच्छा यहाँ पे इसका आ जाएगा 1.5 bm इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर इधर मैं एंगल में वैल्यूज प्लेस करूँगा तो मेरे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1.5 over 0, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्रीज। सो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो आई विल बी बी नेट का जो मेरे पास आएगा 1.5 bm, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये इसकी डायरेक्शन होगी माइनस 90 डिग्री। सो ये अगर आपने हो गया, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये जो है हमारे पास सेव हो जाए, ठीक है। ये अब आपके पास पहला, ये फर्स्ट है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री पे हमारे पास ये आया, ठीक हो गया, सही। अच्छा जी, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सो लेट अस मूव टू द सेकंड। सेकंड में हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, सेकंड वी विल टेक ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हम 90 डिग्री करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोबारा से। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इक्वेशंस पहले से गिवन है, सो लेट देम राइट, लेट मी राइट देम अगेन, ताकि बी एम साइन ओमेगा टी, चाहे तो आप इतनी ही डिटेल से लिखें, क्योंकि ना ये होता ही है कि अक्सर जब हम स्किपिंग्स करते हैं ना तो वी ट्रेंड टू लूज द डायरेक्शन कि हम करना क्या चाह रहे हैं। बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज, एंड दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो बी सी सी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री। अब हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री और हमारे पास आ जाएगा बी ए ए डैश ऑफ टी इज इक्वल टू बी एम साइन ऑफ 90 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। बी बी डैश बी 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 लिख लेंगे और अगर हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी को 90 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेट्स सपोज माइनस 30 डिग्री, सॉरी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस 30 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। बी सी सी डैश ऑफ टी अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा बी एम साइन ऑफ माइनस 150 डिग्रीज 240 डिग्री। हो गया जी, ये सही। फर्दर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, अब हमारे पास आएगा बी ए ए डैश ऑफ टी, तो ये पहला जो है ये आ जाएगा बी एम और ये 0 डिग्री पे आ जाएगा, क्लियर हो गया बात। फिर हमारे पास आएगा बी बी डैश ऑफ टी और ये आ जाएगा माइनस 0.5 bm, एंड दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। बी सी सी डैश ऑफ टी हम लेंगे और वो आ जाएगा माइनस 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर ब्रेक कर लें कंपोनेंट्स में तो हमारे पास आ जाएगा x दिस इज इक्वल टू bm cos ऑफ 0 डिग्रीज एंड y bm साइन ऑफ 0 डिग्री, x इज इक्वल टू माइनस 0.5 cos ऑफ 120 डिग्री एंड y इज इक्वल टू दिस इज माइनस 0.5, ये बी एम लिख लीजिएगा, ये मिस हो गया, बी एम साइन ऑफ 120 डिग्री।
एंड एक्स इज इक्वल टू 0.5 कॉस ऑफ बी एम कॉस ऑफ 240 डिग्रीज एंड वाई इज इक्वल टू -0.5 बी एम साइन ऑफ 240 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स की जो कंपोनेंट आ जाएगा बी एम, वाई का जो कंपोनेंट है ज़ीरो, इधर एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा 0.25 बी एम, वाई का जो कंपोनेंट है वो -0.433 बी एम, एक्स का जो कंपोनेंट है वो आएगा 0.25 बी एम और वाई का जो कंपोनेंट है वो है 0.433 बी एम। टोटल कर लेते हैं, बी एक्स नेट एक्स की जो मेरे पास कॉम्पोनेंट्स है सारों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा बी एफ एम प्लस 0.25 बी एम प्लस 0.25 बी एम इज इक्वल टू 1.5 बी एम। और अगर बी नेट वाई में कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा जीरो माइनस 0.43 बी एफ एम प्लस 0.433 बी एफ एम, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ज़ीरो। अगेन मैं देखूँ तो बी नेट की जो मेरे पास आ रही अमाउंट वो है 1.5 बी ऑफ एम टेन इनवर्स, फिर लगाऊंगा मैं वाई ओवर एक्स ताकि मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, तो जब मैं वैल्यूज रिप्लेस करूँगा आई विल गेट 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0 डिग्री। ये मैंने सेकंड सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो ये मेरे पास एक और सॉल्व हो गया। लेट मी बेसिकली सॉल्व द अनदर वन, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू, मेरे पास अब जो मैं सॉल्व करूँगा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए मैं सॉल्व करूँगा। अगेन मेरे पास 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिसके लिए मैं करूँगा। सो लेट मी रिप्लेस दी वैल्यूज, मेरे पास पहले जो आ जाएगी बी ए ए डैश ऑफ टी, तो मैंने इसमें बी एम साइन ऑफ 180 डिग्री आ जाएगा मेरे पास एंड दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। बी बी डैश ऑफ टी में अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी ऑफ एम साइन ऑफ 60 डिग्री और दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। और बी सी सी डैश ऑफ टी में अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी ऑफ एम साइन ऑफ, यहाँ पे 180 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये -60 डिग्री आएगा, -60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बी ए ए डैश ऑफ टी, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो तो होता ही ज़ीरो है, तो दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ 0 डिग्री। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो हो गया। बी बी डैश ऑफ टी अगर मैं लूँगा तो ये इसका आ जाएगा 0.866 बी ऑफ एम, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। और सी सी डैश ऑफ टी के लिए लूँगा तो दिस इज इक्वल टू -0.866 बी ऑफ एम, दिस इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली आगे आपको पता ही होगा कि हम इसको इसके कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। लेट मी सॉल्व इट, तमाम कॉम्पोनेंट्स के लिए अगर करेंगे तो ये बी नेट ऑफ एक्स के लिए आएगा 0 -0.433 बी एम, क्योंकि प्रोसेस अब आपको क्लियर हो चुका होगा, सो आई डोंट थिंक सो कि उसको बार बार रिपीट किया जाए। दिस इज इक्वल टू 0, बी नेट ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू 0 + 0.75 बी एफ एम प्लस 0.75 बी एफ एम एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 बी एफ एम। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो मेरे पास जो बी नेट की कॉम्पोनेंट बनेगी 1.5 बी एम बनेगी। अब थीटा की डायरेक्शन वही, थीटा के लिए वही लगाएंगे थीटा और टेन इनवर्स ऑफ, तो y में जो था मेरे पास 1.5 है और इधर 0 है, तो दिस इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी एंड दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया? साथ साथ मैं इसको बनाता जा रहा हूँ ताकि लेटर ऑन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास तमाम वैल्यूज हों। आगे नेक्स्ट के लिए हम करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्रीज।
दिस इज लास्ट। ऑब्वियसली आगे इसके अब अगर मैं इसमें 90 फर्दर ऐड करूँगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, तो जो कि 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। साइनोसाइड्स जो होते हैं वो 0 to 360 डिग्री होते हैं, देन दे स्टार्ट टू रिपीट अगेन। तो फिर हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंट्स ही हैं सारे, तो वो हो जाएगा। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी ए ए डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल टू बी एम 270 डिग्रीज है इसमें, तो लेट सपोज साइन ऑफ 270 एंड दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। बी बी डैश ऑफ टी बी ऑफ एम साइन ऑफ 150 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री, और बी सी सी डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल टू बी ऑफ एम साइन ऑफ 30 डिग्रीज एंड सॉरी ये 120 डिग्री है, अच्छा दिस इज बी एम साइन ऑफ 30 डिग्रीज एंड दिस इज 240 डिग्रीज। हो गया ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं हम। अच्छा अब इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को जो है हम रिजॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो ये हमारे आ जाएगा बी ए डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस बी एम 0 डिग्री, बी बी डैश ऑफ टी और दिस इज इक्वल टू 0.5 बी एम और 120 डिग्रीज, बी सी सी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0.5 बी एम 240 डिग्री। ठीक है ये हो गया। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं सिंपली इसके नेट जो है वो सारे कंपोनेंट्स ऐड करके लिख लूँगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस बी एम माइनस 0.25 बी एम माइनस 0.25 बी एम इक्वल टू माइनस 1.5 बी एम, और इसी तरह बी नेट ऑफ वाई में अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 0.433 बी एफ एम माइनस 0.433 बी एफ एम दिस इज इक्वल टू 0। सो इज इट शुड बी क्लियर। ठीक है, और अगर मैं इसका नेट निकालूंगा तो दिस इज इक्वल बी नेट इज इक्वल टू 1.5 बी ऑफ एम, और लेट अस सॉल्व एंड वी विल गेट 180 डिग्रीज। सो दैट्स इट। अब ये जो हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिले हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, लेट मी राइट इट डाउन ऑन अ सिंगल पेपर। हमें जो अलग अलग मिले हैं हम इसको एक पेपर पे लिख लेते हैं, इससे ये होगा हमें कि ज़रा इजी हो जाएगा कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, और फिर हम टेबल टेबल भी कर सकते हैं उसको। ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री था, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज था, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज था, ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्रीज था। ठीक हो गया, वैल्यूज़ देख लेते हैं। सो जिसके लिए पहली वैल्यू के लिए निकला था बी नेट इज इक्वल टू 1.5 बी ऑफ एम 0 डिग्री सॉरी माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री पहली आई थी। सेकंड के लिए क्या आई थी, बी नेट 90 डिग्री के लिए 1.5 बी एम एंड दिस इज 0 डिग्री। ठीक हो गया जी, ये भी सही हो गया। थर्ड के लिए क्या आई है, बी नेट 1.5 बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, गुड ये भी ठीक हो गई। और फोर्थ के लिए क्या आई है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी नेट 1.5 बी एम एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, गुड ये हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा देखें होता ये है कि अक्सर जब हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं ना तो वी नॉर्मली गेट डी ट्रैक के हम ओरिजिनली कर गया रहे थे और हमारा इस सबको करने का मकसद क्या था, तो वो थोड़ा सा हमारा जो है ना डायरेक्शन लूज होने लग जाती है। अच्छा ओरिजिनली हमारा प्रिंसिपल ये था, इफ़ ए थ्री फेज सेट ऑफ करंट्स ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरिंग इन फेज बाय 120 डिग्री फ्लोज इन ए थ्री फेज वाइंडिंग देन इट विल प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नी फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड।
क्या करेगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसमें अंदर जो है रोटेटिंग, एक तो रोटेटिंग भी होगी और क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब अगर इधर आप इधर देखें बड़े गौर से, हमने जो निकाले हैं मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई कि जी जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट रहता है, नो मैटर व्हाट हैपन्स मैग्नीट्यूड जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो हमारी बात जो है ये क्लियर हो गई कि जी आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन ये एंगल्स रह गए, ठीक है। तो अगर एंगल्स को मैं लेके चलूँ और अगर मैं एंगल्स ड्रॉ करूँ, देखें जी ये बड़े गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एंगल्स ड्रॉ किए हैं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें ये मैंने -90 डिग्री लिया है जो कि मेरा इसके अंदर पहला था, ठीक है। ये देखें ये फर्स्ट जो था ये -90 डिग्री था, ये 90 डिग्री ये यहाँ पे है ये वेक्टर, दूसरा है 0 डिग्री और इसकी जो वो 1.5 ही रहेगी, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसकी सबकी, ठीक है, सिर्फ मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज की है। दूसरा है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री बना दिया। तीसरा है 90 डिग्रीज, तो वो 90 डिग्री बना दिया। और थर्ड वन जो है 180 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री, तो ये मैंने 180 डिग्री बना दिया, ठीक है। ऑब्वियसली ये 0 भी हो सकता है क्योंकि जो नीचे वाले जो है ना इनको उसने नेगेटिव लिया हुआ है और ऊपर वाले एंगल्स को उसने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये 0 से लेके यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे ये नेगेटिव हो और ऊपर वाला पॉजिटिव हो। लेकिन इफ़ यू क्लियरली सी दी रोटेशन डायरेक्शन कि ये इट शोज़ दैट कि इट इज़ रोटेटिंग, किस तरह एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही है। सो क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट दैट द वेक्टर कि जी रोटेट कर रहा है एंड किस डायरेक्शन में, इट इज़ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो रोटेट कर रहा है। दिस इज बी ऑफ एम, बी ऑफ एम, यहाँ पे भी बी ऑफ एम है, ये भी बी ऑफ एम है और ये भी बी ऑफ एम है। दिस इज मैग्नीट्यूड इसका 1.5 है और इट इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो दोनों जो चीज़ें थी, यानी जो हमने प्रिंसिपल्स में लिखा था कि जी इफ़ ए सेट ऑफ विल बी ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस में रोटेट करेगी और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी, तो वो दोनों ही आप देख लें कि जब मैंने इन सबको साथ लिखा है तो ये देखें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और जब मैंने इसको ड्रॉ किया है तो इट इज़ रोटेटिंग। तो यहाँ भी अगर मैं इसको देखूँ तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हूँ, तो ये इन सबको अगर मैं चलाऊँ इसको तो इट इज़ बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट कर रहा है। तो बड़ा क्लियर हो जाता है, यानी इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं रहती और ये बड़ी अच्छा। इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसी से क्लियर हो सकती है, अगर आपके पास ये फिगर्स हैं जो हमने फिगर्स बनाई हुई हैं, तो आप एक और चीज़ भी इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो एक और चीज़ भी आप इसमें क्लियर कर सकते हैं, अगर आप इसको देखें ये करंट है, तो एक साइकिल जो हुई है ना 0, 90, 180, 270, फिर 360 पे ये वापस आएगी, तो आप ये देखेंगे कि जो एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है वो पूरी हो जाती है 0, 90, 180, 270, फिर ये दोबारा 360 पे इधर आएगी। तो एक रोटेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की जो एक रोटेशन है वो एक साइकिल इलेक्ट्रिकल साइकिल के इक्वल है। सो अगर आपके पास एक सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स पर सेकेंड्स हैं, जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, तो रोटेशन कितनी होंगी, यस यू विल हैव 50 रोटेशंस पर सेकेंड। और अगर मैं इसको मिनट से निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो अगर इलेक्ट्रिकल साइकिल्स हैं तो वो कितनी होंगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 60, यू विल गेट 3000 साइकिल्स पर मिनट, ठीक है। तो 3000 साइकिल्स पर मिनट मिलेंगी आपको, और अगर मैं उसको जो है जो रोटेशंस में लूँगा तो मेरे पास रोटेशंस जो होंगी वो भी आपके पास 3000 RPM बन जाएंगे इसके। तो दिस बेसिकली क्लियर्स दी ऑल दी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मेरा ये जो प्रिंसिपल था ऑब्वियसली वो मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन, आई होप सो यू विल बी एबल टू
अंडरस्टैंड इट एंड होपफुली विल बी एबल टू यूज़ इट इन एसी मशीन थ्योरी. थैंक यू.